मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस से बाढ़ के कहर पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं एनडीआरएफ की नाव में नक्खी घाट से बैठ चुकी हूँ। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि हम लोग नक्खी घाट को जो है पार करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ का नजारा कैसा है। लोग घरों पर जो है फंसे हुए हैं, घर के ऊपर छतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि घरों में पानी कितना भर चुका है। लगभग मुझे जहां तक लग रहा है कि एक मंजिल तक तो नीचे के जो फ्लोर हैं वो डूब चुके हैं। चारों तरफ आप यहां पे नजारा देख सकते हैं कि पानी ही पानी आपको नजर आएगा, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो है कुछ नावें वापस रिटर्न आ रही हैं, वो लोगों की मदद करके वापस आ रही हैं।
हमारे साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम है और ये बाकायदा यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर लगभग पानी का जो स्तर है वो कितना है अभी। अपना नाम बताइए। सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, 11 एनडीआरएफ वाराणसी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीआरएफ का जो कार्य है ये किसके नेतृत्व में होता है। जी, श्री मनोज कुमार शर्मा, कमांडेंट 11 एनडीआरएफ के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में 11 एनडीआरएफ के सभी कार्मिक जो है कार्य करते हैं। जी मैडम, पानी का जो स्तर है अभी जो है गंगा का जल स्तर डेंजर लेवल को क्रॉस करके लगभग जो है 1 मीटर के आसपास जो है ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे वरुणा रिवर में जो है पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे कि वरुणा रिवर के किनारे तटीय इलाकों के आसपास के रहने वाले जो लोग थे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और लोगों के घर में पानी जो है बढ़ गया है। अच्छा, अगर हम राहत की बात करें तो यहाँ पर क्या राहत सामग्री वगैरह भी पहुँचाई जा रही है। जी हाँ, यहाँ के एनजीओ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और हमारे एनडीआरएफ के द्वारा भी राहत सामग्री जो है लोगों तक पहुँचाई जा रही है और लोगों को जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं हमें सूचना मिलने पे, हमारे कंट्रोल रूम द्वारा हमें सूचना मिल रही है और वहाँ पे हम लोगों को जाके वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। हमारी टीमें अभी शास्त्री घाट से नक्खी घाट तक, बीच में जैसे हमारा पुराना पुल पड़ता है, इसके बीच लगातार 24 घंटे जो है पेट्रोलिंग कर रही हैं और किसी भी प्रकार के किसी भी लोगों के फंसे के होने की संभावना मिलती है हम यथाशीघ्र उनके पास पहुँचते हैं और उनको वहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो घरों में फंसे हुए लोग हैं, अगर उनको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो जो है आप तक वो कैसे पहुँचते हैं। जी, सिविल प्रशासन के द्वारा भी और हमारे एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम भी है और हमारे एडम के लोग भी हैं, तो उनके द्वारा जो है सूचना मिल जाती है हमारे कंट्रोल रूम को और कंट्रोल रूम जो है हमें सूचना देता है, हम वहाँ तक लोगों तक पहुँच के वहाँ से लोगों को निकाल के और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते हैं। कि अगर यहाँ पर फंसे हुए लोग डायरेक्ट आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पर वो कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। जी हाँ, हमारे 11 एनडीआरएफ कंट्रोल रूम का नंबर है जिस पे आप कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर है 8004931410। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके हमारे एनडीआरएफ कंट्रोल रूम से आप संपर्क अपना लगा सकते हैं और उसके बाद किसी भी प्रकार की अगर आपको आवश्यकता है तो हमें इस कंट्रोल रूम के द्वारा जो है सूचना मिल जाती है और हम वहाँ पे तत्काल वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जो है एनडीआरएफ के जवान के द्वारा सुना, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है इस बाढ़ के पानी से और बाकायदा यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हमेशा उनके लिए 24 घंटे खड़ी है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।